हाय गाइस, आज हम देखेंगे किसी भी फैन के अंदर हमारे पैकिंग वायर का कैसे यूसेज होता है। चलिए आइए इसको खोलते हैं। ये हमारे पास सीजर, ये एक ओरिएंट का फैन है। आपको दिखाने के लिए स्पेशली हम इसको लेके आए हैं। इतना खर्चा किया है, एक बार हमारा आइडिया ट्राई जरूर कीजिएगा। सबसे तो पहले इन्होंने इस पॉलीथिन को पैक करने के लिए हमारा पैकिंग वायर यूज किया है। इस तरह से टाई किया हुआ है इन्होंने। और कुछ सप्लायर जिनको हम ये पैकिंग वायर देते हैं, वो लोग ब्लेड को भी जाल के साथ टाई करने के लिए यूज करते हैं। इसमें तो नहीं, लेकिन बुलेट फैन जिसकी ब्लेड की पतली होती है उसको टाई करने में काम आता है। उसके बाद हम देखेंगे जो इसकी मेन बॉडी, नाम नहीं बना है इसका। हम देखेंगे कितना बढ़िया बॉक्स लगा रखा है। सॉरी, ये देखिए आप, इस पॉलिथीन को भी रोकने के लिए इन्होंने काफी बड़ा टुकड़ा पैकिंग वायर का यूज कर रखा है। ये देखिए गाइस, ये दो पीसेस ओरिएंट के फैन में अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग किया है मैंने। आप देख सकते हैं ये पैकिंग वायर हमारा जा रहा है, तो आप लोग भी इसको लगाएं। वॉल फैन में नहीं, किसी भी फैन में आप किसी भी चीज को बांधने के लिए, ब्लेड को जाल से, जाल को जाल से, सो दैट वो ट्रांसपोर्ट के टाइम हिले ना, टूटे ना और एक अनयूजुअल सा साउंड ना आए। ओके गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।